अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट में एज ए फाइनेंशियल रिसर्चर वर्क कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करती है, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है। तो ब्लिंक का एक्चुअल पर्पज़ ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तान में जिस तरह अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मॉनेटरी इश्यूज है, तो एक लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये एक्सट्रीम है। स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं स्टार्ट। तो ब्लिंक एक्चुअली लर्निंग प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, या फॉर एग्जांपल वॉर, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो उसका ऑयल पे क्या इम्पैक्ट था। तो खैर इसमें पाकिस्तान नहीं इंक्लूड होता, बट ये है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग या इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह प्ले करके। मिनिमम आप देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड की एक आउंस की जो प्राइस है करंटली अगर देखें तो वो 14,600 है, तो आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो मेन इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, फंड्स मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग कह रहे हैं, बट ये है कि देखिए गोल्ड की एक फ्लक्चुएशन है या ऑयल की एक स्पेसिफिक फ्लक्चुएशन है, विच इज़ डिफरेंट टू अदर मार्केट्स लाइक क्रिप्टो मार्केट, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसमें एक फ्लक्चुएशन अनएक्सपेक्टेडली होती है। बिटकॉइन की अगर बात कर लें, 15% सडनली, और उसमें चार्ट एनालिसिस हम करें या उसके फंडामेंटल एनालिसिस करें तो वो बिल्कुल अनबायस्ड है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की हम माइनिंग कॉस्ट देखते हैं या प्लैटिनम की माइनिंग कॉस्ट देखते हैं या नेचुरल गैस की ऑयल की रिफाइनरी कॉस्ट देखते हैं, तो ये एक मिनिमम एवरेज प्राइसेस होती हैं। तो काफ़ी जो है इससे हेल्प मिलती है कि ये हमारे लेवल्स हैं, यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, यहाँ से नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्रोसीजर ये है कि blink.com.pk वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके स्टार्ट ट्रेडिंग, आपको हेडर में ही ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर आपको पीमैक्स से कन्फर्मेशन आएंगी, आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, देन उसके बाद जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस वेरीफाई करेगी, NCCPL वेरीफाई करेगी, और देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग।